जम्मू कश्मीर में गर्मी लगातार बढ़ रही है और नॉर्मल टेम्परेचर 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बढ़ा नजर आ रहा है। और कठुआ में तो शहर में सबसे ज्यादा गर्म टेम्परेचर है, 47 डिग्री तक कठुआ में टेम्परेचर पहुंच चुका है। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि बारिशें कब होंगी, तो बारिशों का भी फिलहाल मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार अभी बताया जा रहा है कि 4-5 दिनों तक कोई भी मौसम बदलने का आसार नहीं है, यानी कि बारिशें नहीं होंगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 2 दिन बाद जो है वो कहीं ना कहीं 2 दिन बाद तक जो है वो बादल छाए रह सकते हैं और बादल छाने से कुछ हद तक राहत हो सकती है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर बारिश भी हो सकती है, पर अभी तक की मैं बात करूं तो मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार बताया जा रहा है कि टेम्परेचर इसी तरह रहेगा। और लोगों से भी कहीं ना कहीं, जिस तरह आप लोग पहले भी जानते हैं कि प्रशासनिक अपील भी रही थी कि आप लोग दोपहर के समय में घरों से बाहर निकलना अवॉइड कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लोग जो है कम सह पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर बाहर हो चुका है इस समय। जम्मू में भी अभी मैं आपको बता दूं, जम्मू में भी 45 डिग्री टेम्परेचर, गर्म टेम्परेचर जो है वो कठुआ में 47 से 48 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है। तो अभी जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे भी 6-7 डिग्री ऊपर टेम्परेचर पहुंच गया है। अभी मैं आपको इसी के साथ ये भी बता दूं कि आप जम्मू में टेम्परेचर देख पा रहे हैं, जम्मू के सड़कों पर भी लोग जो है वो घरों से बाहर निकलने से पहले सोच रहे हैं। टू व्हीलर्स पर लोग घरों से बाहर निकलना अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि टू व्हीलर्स पर बहुत ज्यादा गर्मी है, तपश लू जो इतनी तेज चल रही है लोग सह नहीं पा रहे हैं। इसी के साथ भीषण तपन से पूरा जम्मू कश्मीर का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है। कश्मीर भी तप रहा है इस समय और भीषण गर्मी में टूरिस्ट जो हैं तो कहीं ना कहीं उनके सुकून में भी खलल डल रहा है, क्योंकि टूरिस्ट भी अब कश्मीर ठंडे इलाके में आए थे, पर कश्मीर में भी इस समय टेम्परेचर इतना ज्यादा हो चुका है कि टूरिस्ट परेशान हो रहे हैं। इसी के साथ अभी मैं वही आपको बता दूं, पूरे इलाके में, पूरे प्रदेश में कठुआ में सबसे ज्यादा टेम्परेचर इस समय गर्म है जो 48 डिग्री तक पहुंच गया है। इसी के साथ जम्मू में भी 43 डिग्री जो है वो पहुंच गया है। श्रीनगर में पारा जो है वो 32 डिग्री तक पहुंच गया है। श्रीनगर के लोग भी काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि श्रीनगर एक ठंडा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ के लोगों को ज्यादा गर्मी में रहने की आदत नहीं है, पर जब वहाँ टेम्परेचर इतना पहुंच गया तो लोग परेशान है। रात का भी तापमान 26 डिग्री तक जो है वो पहुंच गया है। फिलहाल गर्मी में कोई राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। जम्मू में रविवार को दिन में लू चलती रही और आज भी सोमवार की शुरुआत जो है वो तेज लू के साथ हुई है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब लोग ये सोच रहे हैं कि मॉनसून कब शुरू होगा, बरसातें कब शुरू होंगी। तो मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार अगले 2 दिन तक लू का प्रकोप इसी तरह जारी रहेगा, तेज धूप रहेगी। आप अपने बच्चों को घरों से बाहर निकालना अवॉइड कीजिए, खुद भी घरों से बाहर निकलना जो है वो अवॉइड कीजिए। और इसी के साथ है 19 से 21 जो बदल सकता है, ये बताया जा रहा है कि 19 से 21 जून तक मौसम बदलने के आसार हैं, हल्की बारिश भी हो सकती है और 20 से प्री मानसून की शुरुआत की संभावना जताई जा रही है, यानी कि 21 जून के बाद मौसम बदलेगा। 19 से 21 जून के बाद बीच जो है वो बादल छाए रहेंगे और 20 तारीख से प्री मानसून वर्षा जो है वो होने की संभावना है। और इसी के साथ साथ अभी फिलहाल की मैं बात करूं तो लगातार मौसम विज्ञान ये बता रहा है, वेदर रिपोर्ट से बता रही है कि आप लोग जो हैं वो दोपहर के समय में भी बच्चों को घर से कम बाहर निकालें, क्योंकि 2-3 दिन तक इसी तरह तेज लू पड़ने वाली है, जिसके बाद 2-3 दिन के बाद यानी कि 19 तारीख की मैं बात करूं तो 19 से 21 तक बादल छाए रहेंगे और 20 तक बताया जा रहा है कि प्री मानसून की पहली वर्षा भी हो सकती है। तो अभी फिलहाल जितने लोग मानसून का इंतजार कर रहे हैं ये उन लोगों के लिए भी जरूरी हो सकता है, उन लोगों के लिए भी कि अभी फिलहाल आप लोग जितने भी इस खबर को सुन रहे हैं, आप लोग कहां कहां से इस खबर को सुन रहे हैं, किस इलाके से आप आते हैं, अगर मानसून का इंतजार कर रहे हैं, बरसातों का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 20 जून तक जो है प्री मानसून की वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है, इनकी प्री मानसून की बारिश जो है वो हो सकती है, ये संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ 19 से 21 तक बादल छाए रहेंगे, पर उससे पहले आज 17 तारीख है, 17 से 19 तक जो है इसी तरह तेज गर्मी रहने वाली है, तेज लू पड़ने वाली है। आप लोग बिना काम के घरों से बाहर निकलना अवॉइड कीजिए, लॉन्ग ट्रैवल करना अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब ये लू लोगों पर पड़ रही है तो काफ़ी खतरनाक साबित हो रही है। इस समय मेडिकल कॉलेजेस में ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जहां पर तेज लू पड़ने से लोग अनकॉन्शियस होकर गिर रहे हैं, लोग चक्कर खा रहे हैं, तेज लू है, सह पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है लोगों के लिए। लोग देखें टू व्हीलर पर घरों से बाहर निकल तो रहे हैं बहुत ज़रूरी काम पड़ने पर खुद को पूरा कवर करके निकल रहे हैं, तो अगर आप भी बाहर निकलते हैं तो खुद को पूरा कवर करके निकलिए, इस तरह से बाहर मत निकलिए। किस किस इलाके से इस खबर को सुन रहे हैं, आपके इलाके में मौसम का क्या हाल, क्या मिजाज है, अपनी राय को ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा ताकि हमें आपके इलाके के बारे में भी पता चल सके। और रिपोर्ट्स के हिसाब से इलाके कठुआ में समय सबसे ज़्यादा गर्मी है, जम्मू में भी गर्मी है, कश्मीर में भी गर्मी है
हैं और 19 तारीख तक ये गर्मी इसी तरह रहेगी। 19 के बाद जो है मैं आपको बता दूं, 19 के बाद 19 से 20 तक जो है वो मानसून की शुरुआत हो सकती है, यानी कि बादल छाए रहेंगे और 20 तारीख को जो है पहली बारिश पड़ सकती है मानसून की, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। तो अभी तक की गर्मी से लगातार हम चाहेंगे कि आप लोगों और आप लोग भी जो है वो अपने अपने इलाके को मेंशन कीजिएगा। तो ये तो रही वेदर की एडवाइजरी की, वेदर अपडेट्स क्या कुछ कहती है ये वेदर की एडवाइजरी रही। आप लोग अपने एरिया को मेंशन करना ना भूलिएगा और एक बार आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक। देखते रहे आप ऑल टाइम्स, मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।